हाय गाइस, सो फाइनली मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लिया है जो कि 1 TB है और इट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी दैट वी हैव इन आईफोन और गेस व्हाट, इट्स इन डीप पर्पल कलर। सो जो उसका लेटेस्ट कलर आया है डीप पर्पल, ये वो कलर है और आई एम रियली एक्साइटेड। ऑल्दो मैंने लिए हुए उसको बहुत दिन हो गए हैं और ये मैंने अभी तक खोला नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी सील अभी तक बंद है और मुझे इसको खोलना है, अनबॉक्सिंग करनी है। सिर्फ इस अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए मैं रुका हुआ था और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उसको अनबॉक्स कर सकूं। आज लकीली मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा आज अपने फ़ोन की अनबॉक्सिंग करता हूं और इसको वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं। सो ये है हमारे पास स्टिकर्स और ये डायरेक्शन है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से इसको खोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए खोलना, लेकिन ये क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। एक स्टिकर उतार दिया और दूसरा इसकी लेयर उतारनी बाकी है, ये भी जल्द उतर रही है। सो अब ये बॉक्स खोलने के लिए तैयार है। इस पे से निकलने वाला है मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स इन डीप पर्पल कलर। सो फाइनली गाइज, मैं इसका बॉक्स लिफ्ट अप करने लगा हूँ और आए हम दोनों मिलके एक साथ देखते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स। यस, सो फाइनली बॉक्स खुल चुका है, आईफोन हमारे सामने है। आप देख सकते हैं इट्स अ डीप पर्पल कलर, जो कि वीडियो में हो सकता है ब्लैक भी लग रहा हो, लेकिन ये डीप पर्पल कलर है। आई एम लिफ्ट अप करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या है। सो इसके ऊपर एक पेपर चढ़ा हुआ है जो कि मुझे रिमूव करना होगा। इसको रखते हैं यहाँ पर और देखते हैं बॉक्स में क्या है। तो बॉक्स में हमारे पास है एक लाइटनिंग केबल जो कि एप्पल ने एहसान किया है ये भी देखे, क्योंकि नॉर्मली एप्पल जो है अपने बॉक्स में से हर न्यू मॉडल जब भी लॉन्च होता है कुछ ना कुछ निकाल लेता है, जैसे कि चार्जर नहीं है इस बॉक्स के अंदर। तो चार्जर मैंने अलग से ख़रीदा है और एप्पल का चार्जर, क्योंकि मुझे जेन्युइन प्रोडक्ट लेनी थी तो मैंने जेन्युइन एप्पल स्टोर से मंगवाया अपने दोस्त से जो कि UK जा रहा था। सो इसमें भी कुछ है हमारे पास, आई गेस ये वो है एप्पल का लोगो एंड एप्पल स्टिकर है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। सो हमारे पास है एक अदद पिन, सिम इजेक्टर पिन है और एप्पल लोगो का स्टिकर है, तो जिसे जहाँ पे मतलब विश हो बंदा लगा सकता है। सो एप्पल की ब्रांडिंग है, मतलब एप्पल देता है अपने हर आईफोन के साथ। और ये एक छोटी सी बुकलेट है जिसमें आईफोन की कुछ के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है इन इंग्लिश एंड सम अदर लैंग्वेज। सो आई हम इसका पेपर उठाते हैं और देखते हैं कि क्या है और आईफोन को टर्न ऑन करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कितने शाइन कर रहा है ये,
और ये इसकी साइड बॉडी है जो कि मेटालिक बॉडी है, पर्पल डीप पर्पल कलर के अंदर है। सो मेरी लाइफ का पहला आईफोन है जो मैंने ख़ुद से ख़रीदा है। इससे पहले भी एक दफ़ा बहुत पहले रखा था जो कि मेरे अंकल ने मुझे गिफ्ट दिया था, और ये मेरी लाइफ का सेकंड आईफोन है और ये फर्स्ट टाइम मैंने अपने खुद के खर्चे से लिया है। सो जिस दिन मैंने लिया उसके बाद मुझे इंतहाई अपना गरीब लगा कि मैं कितना गरीब इंसान हूँ। ये देखें, टर्न ऑन हो चुका है मेरा आईफोन, और ये जो एक नॉच आप देख रहे हैं आईफोन 14 की जो पहचान है, इट्स अ डायनेमिक आइलैंड नॉच। इसे ये डायनेमिक आइलैंड कहते हैं जिसमें हमें नोटिफिकेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें पॉपअप होती हैं। वाह क्या बात है आईफोन की। आई गेस मुझे अब इसके लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा, और इसको सेटअप करके देखते हैं और फिर बाकी का मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली मैंने अपनी एप्पल आईडी क्रिएट कर ली है और बना ली है, और जिसमें उसने जो भी सजेशन दी, सो नियरेस्ट पॉसिबल जो इजीली मुझे याद रहेगा मैंने वही वाली आईडी ईमेल आईडी एक्सेप्ट की है। और जैसे आईडी बन गई, अब मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि अगर मैं एग्री नहीं करूँगा तो फिर मैं आईफोन यूज़ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि मुझे एग्री करना ही पड़ेगा, जो कि हर कोई इस केस में एग्री कर ही देता है। सो आईफोन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर सीरी, जो कि वॉइस कंट्रोल ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस है, और जो आपकी वॉइस डिटेक्ट करके आपके क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करेंगी। सो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सीरी वॉइस 1 और सीरी वॉइस 2। हाय आई एम सीरी, चूज द वॉइस यू'd लाइक मी टू यूज, यू कैन चेंज इट लेटर इन सेटिंग्स। अब सेकंड चेक करते हैं। हाय आई एम सीरी, चूज द वॉइस यू'd लाइक मी टू यूज, you can change it later in settings. I guess mere liye voice number 2 sahi rahegi. सो मैंने सीरी का सेटअप कर लिया। उसमें क्या हुआ था कि उसने मेरी वॉइस रिकग्निशन मांगी थी, मुझे 3 से 4 सेंटेंसेस बोले गए थे कि मैं वो रिपीट करके पढूं, और ताकि वो मेरी वॉइस को डिटेक्ट कर सके, जिसमें हर सेंटेंस के स्टार्ट में हे सीरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन था, और मैं अब जब भी हे सीरी बोलूँगा तो वो मुझे डिटेक्ट कर लेगी, रिकग्नाइज कर लेगी। अच्छा मेरे पास 2 मोड्स आ रहे हैं अपीयरेंस, या तो मैं लाइट मोड सेलेक्ट करूं या डार्क मोड सेलेक्ट करूं। तो क्लैरिटी के लिए फ़िलहाल लाइट मोड लेके चलते हैं, बाद में मैं इसको डार्क मोड पे सेट कर लूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली डार्क मोड ज़्यादा बेहतर लगता है। ओके, डिस्प्ले जूम मांग रहा है कि स्टैंडर्ड साइज़ हो या जूम, सो फिलहाल के लिए स्टैंडर्ड साइज़ पे रख रहा हूँ, क्योंकि जूम की भी ज़रूरत तो है नहीं मुझे। अच्छा आईफोन 14 का एक और बहुत ज़बरदस्त फीचर जो है कि इसमें ऑटोमेटिकली ये कार क्रैश डिटेक्शन है, यानी कि अगर एक्सीडेंट होता है सडनली, तो ये इमरजेंसी सेटअप पे जो इमरजेंसी नंबर इसमें होगा उस पर सडन ऑटोमेटिकली कॉल करने लग जाएगा, मतलब कॉल डायल हो जाएगी कि एक्सीडेंट हुआ है या कुछ, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें डालना पड़ेगा। सो इसका ये बहुत अच्छा फीचर है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि एक्सीडेंट हुआ है। वेलकम टू आईफोन, आई गेस सारे सेटअप कंप्लीट हो चुके हैं। स्वाइप अप टू गेट स्टार्टेड, और स्वाइप अप करके देखते हैं। सो फाइनली ये रहा मेरा आईफोन सेटिंग के बाद। ये नोटिफिकेशन आया ई सिम का, क्योंकि आईफोन 14 के अंदर अभी ई सिम लॉन्च इंट्रोड्यूस की गई है, बहुत सारे फ़ोन में ई सिम आ चुकी है। सो फिज़िकल सिम आई गेस अब ख़त्म होती जा रही है इस दुनिया से, तो हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली मूव होती जा रही है।
ओके सो ये रही हमारे पास आईफोन की अपनी एप्लीकेशन जो कि इसके अंदर बिल्ट इन है, बहुत सारी हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली हैं। और ये कुछ और एप्लीकेशन हैं, और लिटरली ये डायनेमिक आइलैंड की जो नॉच है ये वाली, इसने आईफोन का लुक चेंज किया है। और यहीं से पहचान होती है कि किसके हाथ में आईफोन 14 है, क्योंकि 13 से काफ़ी सिमिलर है, ऑलमोस्ट बैक वगैरह कुछ चेंज नहीं है, कैमरास भी सेम है। सिर्फ और सिर्फ इसका जो कैमरा में इम्प्रूवमेंट की गई है कि 48 मेगापिक्सल कैमरा जो है इन्हेंस किया गया है इसका, जो कि बेटर क्वालिटी की गई है आईफोन 13 प्रो मैक्स से। और बॉडी वाइज शेप वाइज तो सब कुछ सेम है, सिर्फ नया कलर आया है, कैमरा इम्प्रूव किया है। और ये डायनामिक आइलैंड का जो फीचर है ये बहुत ही इसको यूनिक बनाता है, इसकी नॉच छोटी हो गई है। अगर आप आईफोन 13 प्रो मैक्स को देखें तो ये जुड़ा हुआ है ऊपर से, सो ये इसे एक यूनिक फ़ोन बनाता है अदर देन प्रीवियस मॉडल्स ऑफ आईफोन। सो आई डोंट नो मेरा यूजेज कैसा रहने वाला, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद iOS यूज़ करने वाला हूँ, एंड्रॉयड से मैं मूव करके iOS पे स्विच कर रहा हूँ। सो देखते हैं एंड्रॉयड में मज़ा आता है या iOS में मज़ा आता है। और गाइस आईफोन 14 की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो मौजूद है, यानी कि ये फ़ोन अगर पड़ा भी रहेगा तो टाइमिंग इस पर नज़र आती रहेगी, यानी कि डिस्प्ले डिम हो जाएगा जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली अभी हुआ है और टाइम नज़र आता रहेगा। सो ये मेरे ख्याल से सेटिंग्स में जाके इसको टर्न ऑफ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ये ऑन रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो गाइस ये है आईफोन का ओरिजिनल अडेप्टर जो कि मैंने यूके से मंगवाया है, मेरा दोस्त गया था यूके और उससे मैंने मंगवाया क्योंकि यहाँ आयरलैंड से थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ यूरो बचाए जाएँ। ऑल दो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बट स्टिल ये एप्पल स्टोर यूके से लेकर आया है। और लेट्स ओपन दिस बॉक्स, मैंने सोचा आईफोन के साथ उसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट ही यूज़ की जाए, तो क्योंकि आईफोन कंपैटिबल रहता है अपने खुद की प्रोडक्ट्स के साथ रादर देन दूसरी प्रोडक्ट्स यूज़ की जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक प्रॉब्लम फेस किया था पास्ट के अंदर और मेरा आईफोन उसकी वजह से ख़राब हुआ था। सो ये इसका अडेप्टर आ गया जो कि अपने बॉक्स के अंदर था, और इसकी पैकिंग भी बहुत सही है। सो दिस इज़ टाइप सी, इसकी जो एंड है यहाँ पे टाइप सी केबल लगेगी एंड दूसरे एंड पे लाइटनिंग केबल है। सो ये रहा मेरा अडेप्टर जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए। मुझे खुशी है कि मैं एप्पल की जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए भी यही एडवाइस है कि कोशिश करेंगे एप्पल की जेन्युइन प्रोडक्ट ही यूज़ करें। सो गाइस ये है टॉरी का स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड बैक कवर जो कि मैंने ऑनलाइन यूके से मंगवाया था अपने लिए अमेज़ॉन के थ्रू। मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट देख रहा था तो मुझे एक अच्छी डील, अच्छा पैकेज लगा। सो ये पोर्शन जो है हमारे पास है, इसमें ये क्लीनर है यानी स्क्रीन को साफ़ करने के लिए कपड़ा दिया, और ये रहा मेरे कैमरा प्रोटेक्टर्स। और अच्छी बात ये कि मुझे दो कैमरा प्रोटेक्टर्स मिले, यानी कि ये कैमरा ग्लास मिले। और ये इस काम के लिए आता है जब मैं इस पे अपना फ़ोन रखूँगा, फ़ोन के ऊपर ये प्लास्टिक केस रखूँगा एंड देन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स के ऊपर चढ़ाऊँगा ताकि वो एग्जैक्टली जो स्क्रीन की शेप है उसके हिसाब से बैठे तो कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए। और इसी के नीचे हमारे पास आते हैं ये स्क्रीन, ये ग्लास प्रोटेक्टर। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो ग्लास प्रोटेक्टर हैं इसमें। सो एक अच्छा पैकेज था मेरे पास जिसमें मेरे पास दो ग्लास प्रोटेक्टर थे एंड दो कैमरा प्रोटेक्टर थे, और एक ये मेरे पास है जो मुझे मिला है वो है पैक कवर। और आई गेस ये स्टिकर्स दिए हैं कंपनी की तरफ से। हम बैक कवर निकाल लेते हैं, ये रहा मेरा बैक कवर, और इसके साथ ये दिया है मैक सेफ। ये बैक कवर के यहाँ पे पोजीशन हो जाएगा, उससे होगा ये कि आईफोन वायरलेस चार्जिंग कैच करेगा। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बैक कवर के साथ जिस पोजीशन पे ये अंदर ही इसके एक पेपर लगा हुआ है, इस पेपर सेम पोजीशन बनी है, सेम इसी पोजीशन के ऊपर मुझे ये लगा के उतार के स्टिक करना है।
तो जब मैं वायरलेस चार्जर लूँगा और इसके साथ टच करूँगा तो आईफोन ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू करेगा। आइए हम बाहर निकालते हैं इस केस को, देखते हैं इसकी क्या शाइन है। सो केस काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी है और बहुत ही क्लियर एंड साफ है। सो आप जैसे देख सकते हैं इस पेपर के ऊपर ये पोजीशन बनी हुई है मैग सेफ मैग्नेटिक फील की, सो जिसके ऊपर मुझे ये अटैच करना है बाहर से ही, और देन जब भी मैं वायरलेस चार्जर यूज़ करूँगा ये उसे कैच करेगा। सो आई गेस आपने टोटली मेरी आईफोन की अनबॉक्सिंग देख ली है, एक एक चीज़ जो मैंने उसके लिए ली है, उसका अडेप्टर से लेके बैक कवर एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर तक। सो आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। मैं इस आईफोन की अनबॉक्सिंग को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और लिए हुए मुझे काफ़ी टाइम होगा जबकि मैंने बॉक्स उसका नहीं खोला था, और आज जाके मैंने इसका बॉक्स खोला। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।